अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं जो आपको रिव्यू देने जा रही हूँ वो ब्लेसो वाइटनिंग फेशियल के बारे में देने जा रही हूँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं। चलें जी रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 क्रीम्स हैं इसकी परचेज़ की हुई हैं। मुझे एक अप्रॉक्सीमेटली 200 की मिली थी तो मैंने 4 परचेज़ किए। द फर्स्ट वन इज़ वाइटनिंग चारकोल मड मास्क एंड द सेकेंड वन इज़ वाइटनिंग स्क्रब, एप्रिकॉट स्क्रब है ये, एंड द थर्ड वन इज़ वाइटनिंग मसाज क्रीम विद हनी एंड द फोर्थ वन इज़ हर्बल मसाज क्रीम। यहाँ मैंने जो है ये वाइटनिंग चारकोल मड मास्क मैंने परचेज़ किया हुआ है क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली है। और जो यहाँ पे मैंने हनी मसाज क्रीम जो है परचेज़ की, ये मैं यूज़ नहीं करती, मेरे घर वाले यूज़ करते हैं क्योंकि मेरी स्किन आगे ही बहुत ऑयली है। और हनी मेरी स्किन को यूज़ जो है मैं यूज़ इसलिए भी नहीं करती क्योंकि मेरी स्किन को सूट भी नहीं करता ये। आई डोंट नो कि क्यों सूट नहीं करता या सिर्फ मुझे ही सूट नहीं करता, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन ये हनी जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ जिनकी ड्राई स्किन है स्पेशली इनके लिए बहुत अच्छा, ये मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। और जो है ये मड मास्क, चलें जी प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो प्रोसीजर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लींजर यूज़ करना है नंबर वन पे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्लींजर इसलिए परचेज़ नहीं किया हुआ क्योंकि मैं ये ब्रांड्स का बिल्कुल यूज़ नहीं करती मैं, क्योंकि मेडिकेटेड फेस वॉश यूज़ करती हूँ। अपने फेस वॉश को ही मैं एज अ क्लींजर यूज़ करती हूँ। जो आपके लिए बेस्ट क्लींजर होता है वो आपका फेस वॉश ही होता है। सबसे पहले आप अपने फेस वॉश से जो है मुँह धो लें। जो भी आप यूज़ करते हैं, आप फोन्स यूज़ करते हैं, आप कोई मेडिकेटेड यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ये क्रीम जो है ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए थोड़ी सी ये ख़त्म हो गई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मसाज क्रीम। ये देखिए आपको इस कंसिस्टेंसी में, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है और ये स्किन को ड्राई नहीं करता इतनी, क्योंकि जिनकी स्किन ड्राई होती है ज़्यादा उनकी स्किन पे पैचेस भी जल्दी आते हैं और आप कह सकते हैं रिंकल्स भी जो बहुत जल्दी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे है वाइटनिंग एप्रिकॉट स्क्रब। ये एक्नी स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्किन को इतना हार्श नहीं करता और जो है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही बारीक हैं जो कि स्किन पर चुभते भी नहीं हैं। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पे जो आता है ये है चारकोल मड मास्क। जो ब्लेसो के मड मास्क हैं ये दो तरह के होते हैं। इसमें एक सिंपल मड मास्क और एक चारकोल मड मास्क है। मैं चारकोल यूज़ करती हूँ क्योंकि आजकल वैसे भी चारकोल यूज़ करना चाहिए, स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और ये ड्राई नहीं होता, ये जैसे आप लगाते हैं एज इट इज़ वैसे ही रहता है और ये ड्राई नहीं होता है। आप इसको चाहे 10 मिनट्स बाद रिमूव करें, चाहे 15 मिनट बाद करें, ये एज इट इज़ इतना ही रहता है, ये ड्राई नहीं होता। और मेरे ख़्याल से पील ऑफ मास्क की बजाय अगर आप ये चारकोल का मड मास्क यूज़ करेंगे तो ये मच बहुत ज़्यादा अच्छा और बेटर है। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रख करता है, साथ आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता और एक ग्लो भी देता है आपके चेहरे पे। ठीक है, तो ये मैं आपको कहूँगी कि आप यूज़ करें। तो ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने पर्सनली खुद ये यूज़ किया हुआ है। पहले इसकी एक ट्यूब्स की फॉर्म में आता था फेशियल, तो अब इन्होंने ये नया फेशियल जो है लॉन्च किया है और ये बहुत अच्छा है। चलें जी, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।